दुर्ग के बघेरा में प्रजापति ईश्वरी ब्रह्म कुमारी संस्था की बहनों ने कांग्रेस नेत्री गुरमीत धनई को भाई का दर्जा देते हुए रक्षाबंधन के पावन अवसर पर पूरे रीति रिवाज के साथ रक्षा सूत्र बांधा, साथ ही प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। ब्रह्म कुमारी दीदी ने राखी बांधने के बाद कहा कि रक्षाबंधन सामाजिक, पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक त्यौहार है। रक्षाबंधन बांधने की शुरुआत सदियों पहले हो गई थी, इसका जिक्र पुराण में भी मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने आजादी के 75वीं स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई दी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। आज आप एक पुरुष का दर्जा देके कहीं ना कहीं रक्षा का मानकर ये आपने रक्षा सूत्र जो बांधा है, उस पर आप बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और साथ ही साथ अभी जो हम 75वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसकी भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो जवान हमारे देश की सुरक्षा में 24 घंटे लगे हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। अपना जो जवान शहीद हुए हैं, उनको मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। वैसे तो रक्षाबंधन का पर्व हम जिसको जानते हैं कि बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, लेकिन ये सिर्फ एक बहन को ही सिर्फ सुरक्षा नहीं चाहिए, अभी तो रक्षा सुरक्षा सभी को चाहिए। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? तो देखिए, इसका आध्यात्मिक रहस्य है, सबसे पहली चीज़ रक्षाबंधन, जिसमें दो शब्द आता है। तो हमें सबसे पहले रक्षा किससे करनी है? पहली रक्षा है स्वयं की स्वयं से रक्षा करना। और स्वयं की स्वयं से रक्षा कैसे होगी? जब हम अपने अंदर के अवगुणों को निकाल करके श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म करने का संकल्प लेंगे, तो हम अपने जीवन में स्वयं की रक्षा कर सकेंगे। और दूसरा है परमात्मा, परम रक्षक परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। और वो कैसे करते हैं? देखिए, एक बात बस मैं आपको बताना चाहूँगी। हम सभी कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, पर एक विचार करिए, हम भगवान को मानते हैं पर क्या हम भगवान की मानते हैं? उसके लिए हम सोचते हैं कि ये तो बहुत कठिन है, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको ये रक्षाबंधन के पावन दिवस पर बताना चाहूँगी कि यदि हम भगवान की भी मानेंगे ना, तो भगवान भी हमारी मानेंगे, और वो हर समय हमारी सुरक्षा के लिए तैयार रहेंगे। और वो परम सुरक्षा करने वाला, वो परम प्रिय परमात्मा, परम प्रिय परमपिता शिव परमात्मा हैं। यदि हम उसकी याद में रहें, यदि हम उसकी श्रीमत पर चलें, तो जरूर हमारी हर कदम में सुरक्षा निश्चित है। तो वो पुलिस मित्र है, हम उसको पुलिस क्रिमिनल केसेस में पुलिस को बोलते हैं कि पुलिस क्रिमिनल केसेस में बात कर रही है, लेकिन पुलिस एक्चुअल में पुलिस मित्र है। पुलिस मित्र मतलब हमारी रक्षा के लिए एक पुलिस है, और हम लोग रक्षा सूत्र जो हम बांध कर बात कर रहे हैं, बिना बांधे भी वो हमारी रक्षा के लिए कहीं ना कहीं तैनात है। हर जगह अपवाद होता है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे जनता में हो, किसी में भी अपवाद। अपवाद के नाते किसी चीज़ को हम नेगेटिविटी करके हम अपना हित नहीं कर रहे, हम अपना अहित कर रहे हैं। तो इन अहित भावनाओं से उठ के हमको कम से कम कंट्रीब्यूशन अपना पुलिस डिपार्टमेंट में भी देना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक परिवार होता है, जहां पर वो अपने बच्चों को छोड़ के तैनात रहते हैं वीआईपी ड्यूटीज़ में। 15-15 घंटे, आधे घंटे के लिए वीआईपी आते हैं, लेकिन 15 घंटे उनकी तैनाती रहती है, खाना का पता नहीं होता है, और उनके परिवार की पढ़ाई लिखाई किसी के बारे में कोई बात नहीं करता है। उनके लिए, उनकी बेवाओं के लिए कोई अच्छा सा एक आयोजन, साल में जैसे एक राखी होती है, दिवाली होती है, होली होती है, एक दिन पुलिस की बेवाओं के लिए, बहनों के लिए भी होना चाहिए, ताकि उन परिवार को संबल मिले कि उनके जाने के बाद भी उनके परिवार को कम से कम सुरक्षा दी जा रही है उनकी। और साथ ही साथ हर भाई बहन का प्यार को पवित्र रूप में सब लोग संबल बनाए रखें, इसकी आशा करती हूँ। भाई रक्षा करता है इसलिए रक्षा सूत्र बांधता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये राखी भाई बहन से ऊपर बढ़कर भगवान, अपने सामान, अपने घर, अपनी आत्मा, सोल से लेके हर उसके लिए रक्षा सूत्र। हम पेड़ों के लिए से पर्यावरण को रक्षा सूत्र बांधते हैं, गाड़ी को बांधते हैं, अपने लैपटॉप को बांधते हैं। तो हम क्यों कहते हैं कि इनसे हम अच्छी चीज़ें समझें और अच्छा समझें, और समझने के बाद रक्षा के रूप में सामने रही हमारे लिए। इस रक्षा सूत्र से मेरे को एक चीज़ समझ में आती है ब्रह्म कुमारी जी लोगों की तरफ से, कि इन लोगों का जो सात्विक जीवन है,
और जो ये सोल के लिए काम कर रहे हैं, आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, इनका शांति दूत के रूप में जिस तरह से देश में देखा जा रहा है इनको, तो पूरे विदेशों में भी ये देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हम लोग अभी महामारी से बचे हैं, इनके रूप में अगर सोचा जाए कि ना हमने कोई हिंसा की, ना हमने किसी को मार के खाया, ना हमने कोई व्यसन में अपने आप को डाला, तब जाके इम्यूनिटी की बात हो तो समझ में आती है। हम एक तरफ दवाइयाँ खाना चाहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं हम ब्रह्म कुमारी माता बहनों से सुन रहे, समझ रहे हैं कि इन चीज़ों से बाहर रहकर कुछ थोड़ा अपने लिए समय निकालें, अपने लिए आत्मचिंतन करें, अपनी आत्मा को साफ करने के लिए हम खाने में परहेज करें, कुछ स्वास्थ्य चीज़ें खाएं। मेरा दिली इच्छा थी कि जितनी महिलाएं हैं, जैसे मुझे अगर मान लो मौका मिल रहा है काम करने का, और मौका मिला जितने भी मैंने काम किए, उसके नाते अगर मान लो मेरे को थोड़ा सा रिस्पेक्ट कहीं पर मिला, तो वो कर्म का रिस्पेक्ट है, ना कि मेरा, मेरे कर्म ऐसे ही चलते रहे। और हम सभी महिलाएं जो कहीं अपने आप को अबला कह देती हैं, कहीं चौक में खड़े होकर अबला और सबला से ना उठ के हम एक इंसान के रूप में, ह्यूमन के रूप में अपने आप को पहचान बनाएं, और मस्त रहें, खुश रहें, सबके बीच में आचार विचार प्रदान करें, चर्चा करें, अच्छे डिबेट में भाग पार्टिसिपेट करें, हेल्दी डिबेट करें, जिससे हम अपने आप को भी अपना आकलन कर सकें।